नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं द लीला होटल्स के अंदर, जो राजधानी दिल्ली के अंदर है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी फिल्म का आयोजन होने वाला है। आज वो फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, जबकि वो बहुत सारे एमपी, राजस्थान, गुजरात वगैरह के अंदर फिल्म धूम मचा चुकी है। आज दिल्ली में उसका प्रीमियम है और उसको लॉन्चिंग करा जा रहा है, जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अर्जुन जी। और हम लोग अंदर मीटिंग चालू है, हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या रिज़ल्ट आने वाले हैं, कौन कौन इसके चीफ गेस्ट हैं और क्या इस फिल्म की रूपरेखा है। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास, जय गुरु वाल्मीकि महाराज और जितने भी बहुजन महापुरुष हुए सबको नमन करते हुए, और परम आदरणीय बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन करते हुए, और मेरे आदर्श साहब काशीराम को नमन करते हुए, मुझे खबर लगी कि द ग्रेट लीडर साहब काशीराम उसमें नहीं है। साहब हम लोग लगाते हैं क्योंकि हमारे रहबर हैं वो, उन पे कोई मूवी बनी है। इसका ट्रेलर तो मैंने पहले भी देखा, लॉन्च यूट्यूब से हो रही, मुझे जानकारी मिली, सुजीत ने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि 15 तारीख में है, तो मैंने कहा भैया मेरी 15 तारीख फ्लाइट है, तो क्योंकि बीच में आप किस तरह से करोगे। हमने कहा किसी भी तरह दिन में मैनेज करा दो, हम रात को चले आएंगे। तो हम रात में 2-3 बजे वहाँ से चले, घर से यहाँ पहुँचे। सबसे पहले तो बधाई अर्जुन भाई को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने भी इतनी मेहनत करके जो है ये तैयार किया, बड़ा काम था। सफलता महलों की मोहताज नहीं होती, इन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और बहुत यंग है तो इसलिए इनको एक और बार मुबारकबाद पूरी टीम को। दूसरा, रोज मिशन की बातें होती हैं, सब लोग चिल्लाते हैं बाबा साहब, साहब काशीराम, और अक्सर मैं कभी मीटिंग में पूछ लेता हूँ साहब काशीराम के बारे में। मैंने कल भी रात में हरिद्वार से लाइव था, तो मैंने वहाँ भी कहा कि जब बाबा साहब के नारे लग रहे थे तो बहुत जोर लग रहा था, पूरे जय भीम हो रहे थे। जब साहब काशीराम का नंबर आया तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों में ऐसा हो गया कि उनको जानकारी नहीं थी। तो जो लोग मिशन की बात करते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ, मैंने पूछा भैया साहब काशीराम पे चुप क्यों हुए, तो कहते साहब को ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो साहब को पढ़ना किसी के बस की बात है भी नहीं, वो समुंदर है मिशन का, एक वो ऐसे आदर्श हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। अब उन्हीं के जीवन पे बात एक रखी जाएगी। बाबा साहब को हम लोगों के बीच जिंदा रखने वाले साहब काशीराम थे, और साहब काशीराम को जिंदा रखना हम यूथ की और पूरे बहुजन मूवमेंट की जरूरत है। साहब जिंदा रहेंगे, साहब आदर्श रहेंगे, तो मूवमेंट चलेगी भी और उसको सफलता मिलेगी। और साहब के अलावा मुझे लगता नहीं कोई ऐसा हो, साहब का लोहा तो उस समय के जितने राजनीतिक दल थे, उनके जितने भी नेता थे, वो सब मानते थे। वो कहते थे एक आदमी ने ऐसा इतना काम किया कि हम सब लोगों को विवश कर दिया कि हमें चमचे भी खड़े करने पड़े। तो साहब काशीराम खुद में बहुत बड़ा सूत्र थे, एक तरह का सूर्य थे, एक हर बहुजन समाज का सूर्य थे। तो मैं एक उनसे जुड़ी हुई घटना आप लोग शेयर करता हूँ, जो मुझे उन्हें पढ़ने के बाद, उनके चरित्र को पढ़ने के बाद महसूस हुई। साहब काशीराम ने अपने जीवन में कुछ शपथ ली, उन्होंने शपथ ली कि मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं कोई महल नहीं बनाऊंगा, कोई घर नहीं बनाऊंगा, मैं कोई मेरे अकाउंट कोई अकाउंट नहीं बनेगा मेरा, मैं शादी नहीं करूंगा, और मैं किसी की शादी, सगाई या जन्मदिन कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं जब उन्हें करीब से पढ़ता, मुझे लगता था कि यार ऐसा क्यों कहा होगा साहब ने, सबको जाना चाहिए किसी की शादी हो, मित्र की, मूवमेंट के लोगों की। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि जब मैंने उनको बहुत गंभीरता से पढ़ा कि क्या रहा होगा, तो मुझे महसूस हुआ कि ये मूवमेंट जो हम लोग चलाते हैं बहुजन मूवमेंट, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। कैसी कठिनाइयाँ? जब जब साहब को अनुभव हुआ जिस चीज़ का, उन्होंने उसी पे फैसला जो है तैयार कर लिया, एक दिन उसको आगे घोषित किया। साहब ने कहा कि मैं कोई घर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस देश की व्यवस्था में बहुजन मूवमेंट के जो लोग काम करते हैं तो वो CBI, IB, इनकम टैक्स, ED, वो सब उन्हीं के लिए तैयार है, ये सब लोग उनसे घिराव करते हैं। तो साहब ने प्रयास किया कि मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा। अब उन्हें वो घेर सकते थे दूसरी चीज पे कि उनके पास कोई खाता होता, कोई उनके पास पैसा, कुछ पैसा होता जिस पे वो इनकम टैक्स या उनको ED से घेर लेते। तो साहब ने कहा कि मैं कोई खाता नहीं बनाऊंगा, तो ये उनका प्रैक्टिकल था। फिर साहब ने कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा,
अब मुझे लगा घर क्यों नहीं जाएगा भैया, दो माँ बाप से पैदा हुए, माँ का प्यार है, बाप का प्यार है, बहनों का प्यार है, भाइयों का प्यार है। तो साहब को लगा कि अगर इस मूवमेंट को चलाने के लिए अगर मुझे कहीं से कमज़ोर करा जाएगा तो मेरे परिवार को नुकसान देके, उनको चोट पहुंचा के, उनके किसी के व्यक्ति का जीवन लेके मुझे कमज़ोर किया जाएगा, तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार से दूरी बना ली। और अंत तक मैं रो पड़ता हूँ अक्सर जब पढ़ता हूँ कि उनकी बहन की शादी थी और 20 किलोमीटर दूर पे वो सभा कर रहे थे, उनके फादर की डेथ हुई हुई थी, उनकी डेड बॉडी घर में पड़ी हुई थी, वो सभा कर रहे थे लेकिन वो घर नहीं लौटे। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा कठिन दिन नहीं हो सकता जिसका जिसके फादर की डेथ हुई, जिसकी बहन की शादी। हम सम्मान की बात करते हैं, हम भीम आर्मी तो बहनों के लिए लड़ती है, तो बड़ा दुख का पल था। तो मुझे लगा कि कितनी गंभीरता से उन्होंने सब चीज़ों को सोचा कि उनका तोड़, कि मनवादी उनको घेर ना ले, ये व्यवस्था उनको निगल ना जाए, तो उसका तोड़ वो पहले करके चले। अब अंत में प्रोफेसर साहब ने भी जो हमारे जिन्होंने PhD की साहब उन्होंने भी एक बात की थी कि चारित्रिक दोष जो है जो सबसे बड़ी एक वो रहती है, अंतिम लाइन होती। तो जब साहब को लगा तो उन्होंने कहा मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। तो सब लोग अभी मुझे कहते हैं भैया, मैंने भी कभी कहा कि यार प्रयास करता हूँ अविवाहित रह लूँ, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों, आप विवाहित होंगे तो बच्चे होंगे तो आपके जैसे होंगे तो मिशन बढ़ेगा। तो साहब ने इसलिए किया कि परिवार से भी कमजोरी आती है, और सभी साहब ने तैयार किया कि परिवार को समय देना पड़ता है, उनके सुख दुख में खड़ा होना पड़ता है, तो मिशन को रुकने में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो ये कहीं से उनको एग्जाम्पल कुछ मिला होगा, तब उन्होंने ऐसे कठिन निर्णय लिए। ऐसे व्यक्ति को हम लोग आदर्श मानते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि उनके दिखाए रास्ते पर अगर हम लोग चलेंगे तो बहुजन समाज को हुक्मरान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और मेरा पूरा प्रयास है कि अगर हम बाबा साहब नहीं पैदा कर सकते तो साहब काशीराम जैसे इतने नौजवान पैदा कर दें उनके विचारधारा को मानने वाले कि इस देश में बहुजन बहुत जल्दी शासक बन जाए, और हमारा पूरा प्रयास भी है। और उसके लिए हमने अब तय किया है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाऊंगा और ये बातें आपको बतानी जरूरी, तो अर्जुन भाई के माध्यम से आप लोगों के बीच चली जाए। हापुड़ में हमारी एक रैली थी, प्रशासन ने क्योंकि रैलियाँ बहुत बड़ी हो रही थी, उन्होंने एक वो दिया है उसके कोच दिया है कि शाना कांड की वजह से हम लोगों ने एक तो धारक सवाल लगे, हम लोग होने नहीं देंगे, लेकिन मुझे लगता है वो परमिशन कैंसिल की गई है खोने के बाद। मगर मुझे ऐसा लगता है कि भीम आर्मी की बढ़ती ताकत को देख के उन्होंने परमिशन कैंसिल की है, क्योंकि अभी जो 3 राज्यों के रिजल्ट आए, 5 राज्यों के रिजल्ट आए, तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। तो मैं भी उस उन राज्यों के जो रिजल्ट है उनसे भी आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं डर चुके। तो हमारा प्रयास है कि हम अब रैलियाँ फिर करेंगे तो चाहे उसमें कुछ भी हो, लेकिन लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे। दूसरा, 20 तारीख के लगभग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम एक बड़ी जानकारी आप लोगों को देंगे, कुछ हम करने वाले हैं। तो 20 तारीख के लगभग ये जो है जानकारी हम आप लोगों को देंगे कि कुछ बड़ा हम लोग देश में करने वाले हैं, हमने कुछ तैयारी की है। तो ये इनविटेशन था? हाँ, ये इनविटेशन दे देंगे, लेकिन ये जानकारी है, कुछ तो ऐसा बचे जिन पे सस्पेंस रहे। एक जरूरी बात, भीम आर्मी ने तय किया कि वोट की चोरी रोकने के लिए कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोज में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन पर कोई ना कोई आरोप है, तो वो सत्ता खिलाफ बिल्कुल स्पष्ट नहीं लड़ सकते। तो भीम आर्मी ने तय किया कि वोटों की चोरी रोकने के लिए भीम आर्मी इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन EVM के खिलाफ करेगी और प्रयास करेगी कि वोटों की चोरी बंद हो, क्योंकि साहब काशीराम ने हमें सिखाया कि वोट की सुरक्षा में बहन बेटी की इज्जत की तरह करनी है। तो बहन बेटी की इज्जत हमारी इतनी हल्की नहीं है कि कोई उसकी चोरी कर ले, तो इसलिए भीम आर्मी पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से, मतलब EVM, हाँ EVM को बैन कराने के लिए जन आंदोलन करेंगे। उसमें चाहे 2 अप्रैल की तरह हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन लोकतंत्र तो तभी बचेगा ना कि जब EVM से चोरी रुक जाएगी। अगर हमने सबको वोट बहुजन समाज के प्रत्याशी गिरी कर वो चले जाए मनवादियों के खाते में तो हमें क्या फायदा होगा। तो EVM से वोट की चोरी रोकनी पड़ेगी, और क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोगों द्वारा जनता की जब सरकार चुन जाती है तो लोगों की वोट का मिसयूज ना हो, इसलिए EVM के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, ये हमने तय कर लिया। और उसके लिए चाहे अब संविधान की सुरक्षा चाहे शांति से हो चाहे फिर क्रांति से हो, तो भीम आर्मी बहुजन समाज का ऐसा सुरक्षा दल है जो संविधान का सुरक्षा दल है, मूवमेंट का सुरक्षा दल है, कि हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को रास्ते पर लाने का काम कर दिया। तो अब हमें उम्मीद है कि हम जो मनवादी जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार का समझते हैं, उनकी तबीयत ठीक करने का काम भी बहुत जल्दी हम लोग करेंगे, और उम्मीद है कि इसी बार 2019 में पूरी मजबूती से बहुजन समाज की सरकार बनेगी, बहुजन समाज शासक वर्ग बनेगा। मैंने 6 दिसंबर को भी वहाँ कहा था संसद में कि हम कब्जा करने के लिए आ गए, तो कब्जा अब हम करेंगे और वो किसी पर रुकेगा नहीं कब्जा। मूवी पर आते हैं, मूवी देखी आपने? एक सेकंड, मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने तो खुद ही बताया कि मुझे जानकारी मिली है। अच्छा। तो मैं आपके सवालों के जवाब जो मैं अपनी PC करूंगा तब दूंगा, धन्यवाद। तो बस एक सेकंड, अभी तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता कि कोई एक आदमी हीरो, आप सब लोग हमारे हीरो हैं, आप सब लोग बहुत काम करते हैं, आप सब लोग विपरीत परिस्थितियों में कहीं कहीं जाके वो वीडियोज हमें अवेल कराते हैं, पूरे देश में जो घटना होती है दलित उत्पीड़न की, आप सब लोग हमारे
आदर्श भी समझिए, हीरो भी समझिए, नायक भी समझिए, और हमें गर्व है कि इतना भोजन मीडिया हमारे पास है। उम्मीद करते हैं आप लोग फले फूले, आपके सैटेलाइट चैनल हो, आप लोगों के लिए आप दीर्घायु हो, आपके लिए मंगल कामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं इन सबके लिए, और जितने अतिथि यहाँ पहुँचे उन सबके लिए मंगल कामनाएं। मैं माफ़ी चाहते आप लोगों के बीच से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मेरी फ्लाइट है, मुझे गुजरात पहुँचना है। धन्यवाद, बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, और एक निवेदन ये है कि इसे बहुत शेयर करें, अर्जुन भाई की मदद करें, मूवमेंट चलाने के लिए हर चीज़ की जरूरत होती है। मैंने अभी पहले बताया था कि BSP जो मूवमेंट है जिसे मिशन कहते हैं, जब स्टार्टिंग में उनके प्रत्याशियों को टिकट हुआ करते थे तो सरकार की तरफ से दो गनर मिला करते थे, तो हमारा इतने मूवमेंट इतनी कमज़ोर थी कि हम साइकिल पर हमारा प्रत्याशी जाता था, एक गनर को आगे बिठाता था, एक को पीछे, तो उसको खुद चलाता था, तो मेरे हिसाब से उसकी आधी एनर्जी तो वहीं चली जाती थी। तो हमारा प्रयासक जैसे हमारा मिशन बहुत बड़ा है, हमारा आदमी आज फॉर्चुनर में, इनोवा में, ऑडी में जा रहा है, तो हमारा प्रयास है कि आप लोग भी जो है फले फूले, कल आपका सेटअप हो बढ़िया, आपके चैनल हो, और इस तरह से आप बहुजन समाज की जो सच्चाई जो आवाज़ है उसको उठाते रहें बेबाक तरीके से, किसी का प्रेशर आप पे ना हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, जैसा मिलन भाई ने कहा कि वो आज भी आए हैं, और वो छोटे प्रोग्राम में था जैसा शंभू भाई ने कहा, और तेजेंद्र भाई जैसे तंज कस रहे हैं हम पे, तो मैं उनको बता दूं कि मैं अभी वही आम आदमी हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, समाज का एक सिपाही हूं, बहुजन मूवमेंट का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मुझे आज भी अपने लोगों में से बदबू नहीं आती, मुझे आज भी उनके साथ ज़मीन में बैठने में कोई एतराज़ नहीं है, और मैं आज भी उनके गले बहुत शिद्दत से मिलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यही वो लोग हैं जो मिशन को चलाते हैं। मुझे तो उन्होंने चेहरा बनाया, लेकिन काम करने वाले पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं।